अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि दो मेन रीज़न आयरिश वीज़ा रिजेक्ट होने के, स्टूडेंट वीज़ा। तो जब मैं आ रहा था तो मेरा एक वही मिला था मेरे को IDB में, जिसने खुद ने भी फाइल लगवाई थी पर उसकी फाइल रिजेक्ट हो गई थी, और उसका रीज़न बहुत ज़्यादा सिली था। तो उसका फिर जनवरी इंटेक में आया, फिर भोपाल में बंदा, और भी है। मैंने काउंसलर से भी पूछा थी कि क्यों रिजेक्ट क्यों होती है वीज़ा, और यूट्यूब पे भी आ जाते हैं मैसेज, तो उनसे पूछ लेता हूँ भाई तेरा क्या सीन है, तेरा क्या हुआ। तो मेरे को पता चला दो मेन रीज़न निकाले मैंने जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होती है, स्टूडेंट वीज़ा आयरिश। तो पहला है, हाँ तो पहला है भाई, आपकी फाइनेंशियल समरी सही से आपने एक्सप्लेन नहीं कर रहे हुए ट्रांजेक्शन उसमें, अगर कोई हैवी ट्रांजेक्शन हो रखे हैं तो, क्योंकि फाइनेंशियल समरी में एक्सप्लेन करना होता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया और ये है किसका, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है इसकी। तो वो आपको फाइनेंशियल समरी में बतानी होती है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपका 50 तो कम है चलो, अगर 80,000 से अबव है आना जाना कुछ भी, तो आपको उसे स्टेट करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल समरी में। तो लोग कुछ मतलब ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट जो होती है 6 मंथ्स की ट्रांजेक्शन होती है, उसे बताते ही नहीं है, वो फिर ऐसे डाल देते हैं फाइल सबमिशन के लिए। फिर वो आयरिश वाले जो एम्बेसी वाले लोग हैं वो यही सोचते हैं कि ये इसके पास है नहीं, इसने कहीं से ले रखे हैं और सोर्स भी नहीं पता, तो फिर भाई वो सीधा वो कर देते हैं आपके साथ, रिजेक्शन का टप्पल दे देते हैं। और ये बहुत सिली रीज़न है, आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन बता दी फाइनेंशियल समरी में, एक्सप्लेन कर दिया उस ट्रांजेक्शन के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे भी करा था, मेरे भी थे ऊपर नीचे, तो मैंने करा था, वो जो लड़का था उसने नहीं करा था, और उसकी काउंसलर ने उसे शायद बताया था, वो तो मुझसे ही कह रहा था, उसकी काउंसलर ने बताया ही नहीं कि ये भी करना होता है, तो और उसे पता ही नहीं था। उसने भाई ने सीधा करवा दिया और सीधा रिजेक्शन ले लिया फालतू में 6 महीने वेस्ट। दूसरा रीज़न जो सबसे ज़्यादा मेन है, और ये भी लोग बहुत वो कर देते हैं नज़रअंदाज क्योंकि पता ही नहीं है, तो वो रीज़न है आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है SOP, उसमें एंड में या फिर कहीं भी मेंशन करना होता है, या फिर SOP ऐसे लिखना होता है उस वे में जिससे उन्हें लगे कि हम अपना मास्टर्स करके वापस इंडिया आएंगे, ना कि वहीं बच जाएंगे। बोले ये बताना होता है, अब ये देखो लोगों के ऊपर होता है कि उन्हें इंडिया वापस जाना होता है मास्टर्स करने के बाद या पढ़ने के बाद या नहीं, पर ये बताना पड़ता है उन्हें SOP में कि भैया ये सीन है पढ़ने जा रहे हैं बस, उसके बाद सीधा वापस इंडिया, फिर जहाँ पे भी अपना होम कंट्री है। अगर वो आप स्टेट नहीं करते या फिर उन्हें थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि भाई ये तो नहीं जा रहा वापस, तो सीधा रिजेक्शन। और ये तो सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है इसके वजह से वीज़ा रिजेक्ट होती है। तो भाई ये दोनों देख लो, बाकी तो बहुत ईजी है, एकदम लग जाती है, कितना 1 महीना मैक्स लगता है, तो भाई कर लो, बाकी कुछ भी हो तो कर देना मैसेज।